बैक विद दी अनदर वीडियो। हम लोग वापस आ गए VRS कार मार्ट पे एंड आज अपने पास है XUV500 W10 मॉडल जो कि टॉप वेरिएंट मॉडल है। एंड गाड़ी आपने अभी इंट्रो में देख ही ली होगी क्या टन कंडीशन में गाड़ी है। सनरूफ वाला मॉडल है ये, इसमें क्रूज कंट्रोल है प्रॉपर, गाड़ी आप देख ही सकते हैं। एंड गाइस आपको गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड दे देते हैं कि कैसी है गाड़ी है एंड क्या कंडीशन है इस गाड़ी की, ये देख लीजिए। सो गाइस गाड़ी की बात कर लेते हैं तो गाड़ी A1 कंडीशन में रखी हुई है, आप पूरा गाड़ी को देख सकते हैं अच्छे से और स्क्रैचलेस है, मतलब प्रॉपर सब कुछ, टायर मायर वेल मेंटेन्ड। आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ साइड से पूरा 360 डिग्री का, तो आप एक बार देख लीजिए गाड़ी को, गाड़ी की क्या कंडीशन होने वाली है ये देख लीजिए। पूरी गाड़ी के आप टायर्स देख सकते हैं, चारों के चारों अपोलो के टायर्स हैं और चारों अच्छी कंडीशन में नए टायर्स रखे हुए हैं। एंड गाइस बम्पर का बहुत लोगों को लगता है कि बम्पर पर टचअप रहता है, आप बम्पर की कंडीशन देख लीजिए, पूरा ओरिजिनल कलर में बम्पर रखा है। और फेस ग्रिल देख लीजिए, फेस ग्रिल अलग ही क्रोम वर्क में दिए इस गाड़ी की। और बाकी विंडशील्ड की कंडीशन देख लीजिए, स्क्रैच मिस्क्रैच माइनर ही हैवी नहीं एक तरह से देखा जाए तो। एंड ORVM देख लीजिए, ORVM पे भी अपने इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो कि टॉप मॉडल्स में आते बेसिकली। हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स इसमें प्रोजेक्टर वाले लगे हुए हैं दोनों साइड एंड ये कंपनी फिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ करवाया है उसमें। और नीचे देखा जाए तो फॉग लाइट भी इंस्टॉल्ड है इसमें ऑलरेडी, वो भी कंपनी फिटेड है। तो गाइस अब कार के इंटीरियर की बात कर लेते हैं अपन, और ये कार की है इसमें, तो की से अपन इसको अनलॉक कर देते सबसे पहले। तो गाइस गाड़ी के इंटीरियर की अपन बात कर लेते हैं, तो गाड़ी के अंदर आपको इसी वेंट्स इसके बहुत पावरफुल हैं, एज देख सकते हैं आप इसमें अच्छे खासे ब्रॉड दिए हुए हैं, तो आपका केबिन चेल करने में इसको बस फ्यू सेकंड्स लगते हैं, फ्यू मिनट्स के अंदर आपको पूरा का पूरा इतना बड़ा केबिन चेल हो जाता है। एंड 7 सीटर गाड़ी है, बहुत लंबी गाड़ी आप देख ही सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं गियर सिस्टम की, तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर सिस्टम दिया हुआ है। एंड आर्म रेस्ट भी देख सकते हैं, आर्म रेस्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं कुछ करते हैं, कोई भी तरह का इशू नहीं होगा आपको, थकान महसूस नहीं होगी। एंड अगर अपन बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग पे अपना क्रूज कंट्रोल का पूरा सेटअप दिया हुआ है एंड स्विचेस दिए हुए हैं पूरा, अपना मीडिया कंट्रोल इसमें, स्विच के थ्रू गाने चेंज कर सकते हैं, साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड पूरा क्रूज कंट्रोल है सिस्टम, आप देख ही सकते हैं सेटअप कितना बढ़िया है। बात कर लेते हैं लाइटिंग की, तो लाइटिंग का इशू नहीं होने वाला है, ब्रॉड लाइट दी हुई है इस टाइप से, वाइट कलर की LED लाइट है, पहले येलो कलर की चलती थी बट ये जो गाड़ी है बड़े सेगमेंट की गाड़ी आती है तो इसमें आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है। एंड अभी मेन चीज़ की बात करेंगे अपन, मेन चीज़ इसके ऊपर ये दिखा देता हूँ मैं, हल्का सा आपको झलक दिखा देता हूँ, इसके अंदर सनरूफ दी हुई है तो इसका भी अपन दिखाएंगे सिस्टम पूरा का पूरा। मैं पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है जो कि ये यहाँ पे प्लेस है। एंड स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर एक LED डिस्प्ले स्क्रीन दी हुई है जो कि पूरी की पूरी टच स्क्रीन होने वाली है। अब मैं आपको इसको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, जस्ट इसमें एक अपन को स्विच दिया हुआ है, इसको पुश बटन को एक बार प्रेस करना है अपन को, एंड इस टाइप से आपकी यहाँ पर भी लाइट आ जाएगी मीटर पर। एंड ये जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले इसका ऑन हो चुका है ऑलरेडी, महिंद्रा की ब्रांडिंग दिख रही है इसमें आपको, महिंद्रा राइज करके लिखा आ रहा है। एंड सामने भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका मीटर दिया हुआ है, मीटर में भी लाइटिंग माइटिंग कितनी प्रॉपर है, वो टच इसका कितना स्मूथ चल रहा है ये देखिए आराम से चैनल अपने चेंज हो रहे हैं, मतलब स्मूथ टच है इसका। एंड अब मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ इस गाड़ी की, जो शो दिखाती है गाड़ी टोरा इसका जो जमता है इस गाड़ी का किस चीज़ से जमता है, तो ये अपने पास इसका सनरूफ दिया हुआ है, ये जैसे कि सनरूफ वाला मॉडल है मैंने आपको बताया था। एंड इसमें यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, तो ओपन स्विच जैसे इसको प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक सनरूफ ओपन होने लग जाती है, ये देख लीजिए इस टाइप से कुछ इसकी सनरूफ ऑन होती है। तो गाइस ये गाड़ी XUV ऊपर से टोरे वाली गाड़ी, एंड इसके साथ आपको सनरूफ मिलता है तो अलग ही एक मज़ा है इस गाड़ी का, फील है इस गाड़ी में। एंड स्पेसियस है, आप बूट स्पेस देख सकते हैं कि पायलट सीट में क्या बूट स्पेस दिया हुआ है, बैक साइड भी पूरा बूट स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है, जगह मगह की कमी नहीं होने वाली है, 7 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं इसमें। अब गाइस मैं आपको इसका एक मेन और फीचर्स बता देता हूँ जो कि इस गाड़ी का और ज़्यादा लुक एनहेंस कर देता है, कि अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जहाँ की ये स्विच दिया हुआ आप स्विच देख सकते हैं, एक स्विच के थ्रू आपकी सीट आगे पीछे एडजस्ट हो सकती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसको जस्ट आप आगे प्रेस करते तो ये देखिए ऑटोमेटिक सीट आगे होती जा रही है, एंड इस टाइप से अगर अपन बैक प्रेस करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक सीट बैक हो रही है, तो इस टाइप से पूरी सीट इसकी एडजस्टेबल है। सो गाइस आइए आपको मैं बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। बूट पे आप पैनल पे देख ही सकते हैं कि महिंद्रा की ब्रांडिंग दी हुई है, XUV500 की ब्रांडिंग प्रॉपर दी है, एंड बैक साइड मिरर पे भी इसका आपको वाइपर दिया हुआ है जो सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत खास है। एंड आपको बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, इस टाइप से कुछ देख लीजिए।
सो गाइस बूट स्पेस की बात कर ले तो इसमें आपको एक फायदा होने वाला है, अगर आप पीछे भी किसी को बिठाना चाहते हैं तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दो लोग आराम से पीछे आ जाएंगे। इसमें भी आपको कैन होल्डर दिया हुआ है, प्रॉपर एसी वेंट भी पीछे की तरफ दिए हुए हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है एंड अच्छा खासा प्रॉपर बूट स्पेस नीचे भी दिया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप ट्रिप कर रहे हैं कहीं पर या आपके पास लगेज ज़्यादा है तो ये जो मेन चीज़ है आपको फैसिलिटी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये जो मेन फैसिलिटी रहेगी आपकी, इधर आप सामान रख सकते हैं और अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है। अजय भाई बैठ के दिखाइए, ये देखिए अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। तो पीछे कुछ ऐसा सिस्टम है इसका, जो भी आपको डोर पैनल के अंदर आपको विंडो सीट मिल जाएगा, डोर पैनल के अंदर आपको लाइट लगी हुई मिल जाएगी एंड जैसे आप एंट्री करते हैं इसमें आपको XUV 500 की ब्रांडिंग दिखती है। यहाँ पे बैक साइड केबिन की बात कर ले तो अपन पूरा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है केबिन एंड सीट्स भी अपनी 60-40 वाला पैटर्न यूज़ कर रखा है यहाँ पे एंड सब कंपनी फिटेड है यहाँ पे ऑलरेडी, कुछ भी अलग से नहीं करवाया गया है। एंड सीट की बात कर ले तो अपन इसमें ऐसा कुछ सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल रहा है आपको एंड कैन बॉटल रखने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करी गई है यहाँ पे। ऐसे अगर अपन बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो बैक साइड भी आपको दोनों साइड में आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दोनों साइड सीट बेल्ट का ऑप्शन है। इवेंट्स की बात करें तो एसी वेंट्स पीछे साइड भी लगे हुए हैं, वो भी ब्रॉड लगे हुए हैं जैसे कि केबिन पूरा का पूरा चिल हो सके। गाइस जो भी इंटरेस्टेड है इस कार को बाय करने में, ये आपको VRS कार मार्ट PNT में मिल जाएगी गाड़ी एंड डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल नीचे दिख जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंड उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है तो आप उस पर कॉल लगा के पूछ सकते हैं। गाड़ी आपको फाइनेंस भी कर सकते हैं, आप इजीली फाइनेंस हो जाएगी। अभी ऑफर भी चल रहा है RTO फ्री रजिस्ट्रेशन का, तो आप वो भी करवा सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस ऐसी गाड़ी मैं आपके लिए और लाता रहूँगा एंड वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ना, और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जैसे कि आगे इन फ्यूचर और भी जो कार आ रही है आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये वीडियो प्रॉपर भोपाल में शूट करी गई है, ऑल अराउंड इंडिया कोई भी इस कार को लेना चाहे तो कोई भी कहीं से भी ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप बस आपको एक कॉल करना है एंड मीटिंग अपॉइंट करके फिक्स करके डायरेक्ट भी आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना।